अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं मैक्रोनी। ये हमने गर्म पानी में मटर और मैक्रोनी हल्दी डालकर बॉईल कर ली हैं, और बॉईल करने के बाद आप इनको छन्ने में छान लें और उसके ऊपर थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दें ताकि ये एक दूसरे से चिपके ना, खिली खिली रहें। अब बात करते हैं उसमें डालने वाली सामग्री की। यह हमने एक बड़ा प्याज लिया है, उसको बारीक बारीक चॉप कर लिया है, और ये हमने टमाटर लिए हैं, इनको भी बारीक चॉप कर लिए हैं, और ये हमने थोड़ा सा पनीर लिया है और हरे धनिया की पत्तियां काट ली हैं, और ये आधा नींबू लिया है। अब एक पैन में तेल चढ़ाएं। पैन हमारा गर्म हो चुका है। इसमें हम डाल देते हैं प्याज, हमको ये ज्यादा नहीं भूननी है, हल्की कच्ची रखनी है। अब इसमें डाल देते हैं हम टमाटर। अब इसमें डाल देते हैं हल्का सा लहसुन, आप नहीं डालना चाहें तो मत डालना। और इसको अच्छे से भून लीजिए। नमक हम स्वाद अनुसार डाल देते हैं, आधी चम्मच हम मिर्च डाल देते हैं, और हल्का सा पानी डालकर हम इसको भून लेते हैं। ये देखिए, इसको हम अच्छे से भून लेते हैं। इसमें हम हाफ नींबू का रस डाल देते हैं। इससे अच्छा खट्टापन आ जाता है। इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा पानी। अब डाल देते हैं इसमें हम पनीर। इसको पका लेते हैं। ये हमारी इसकी ग्रेवी भुन गई है। अब ये हमारी ग्रेवी तैयार हो गई है। इसमें डाल देते हैं हम अपनी मैक्रोनी। ये हमें हल्के से इसको मिक्स करनी है, ध्यान रखें ये टूटे ना। अब हम इसको थोड़ी देर 2 मिनट के लिए पकने रख देते हैं। अब ये हमारी मैक्रोनी तैयार हो चुकी है। हम इसको अपनी गैस को बंद कर देते हैं और आपको सर्व करके दिखाते हैं। ये हमारी मैक्रोनी तैयार हो गई है, चटपटी मैक्रोनी। अगर आपको हमारी ये पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।